listen. We'll soon see that there are fantastical creatures living among us. All around us, goblins, trolls. Like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पर्टिकुलरली टॉप 5 बेस्ट मैजिकल एडवेंचरस मूवी के बारे में, जो आप सभी को हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो बिना समय बर्बाद किए हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रुइन माय मॉर्निंग। नंबर 1 मैलफिसेंट। मैलफिसेंट साल 2014 में रिलीज हुई मैजिकल एडवेंचर्स मूवी थी, जिसके लीड रोल में नजर आने वाली एंजेलिना जोली। इस मूवी को डायरेक्ट किया रॉबर्टो स्टॉमबर्ग ने। इस मूवी के कहानी में दिखाया जाता है कि एक जादुई सपनों का राज्य रहता है, जिसका नाम मूरस रहता है, जहां परियों के साथ साथ अतरंगी जीव जंतु भी रहते हैं। वहां की एक रानी रहती है जिसका नाम मैलफिसेंट रहता है, जो जादुई शक्तियों से लैस रहती है। प्यार में धोखा खाने के बाद मैलफिसेंट अपने प्रेमी राजा की मासूम बच्ची, जिसका नाम ओरेरा रहता है, उसे हमेशा सोने रहने का श्राप दे देती है। इसी पर इस पूरी कहानी की प्लॉट की गई है। अगर आप भी मैजिकल एडवेंचर्स मूवी देखना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल है 7/10 की। नंबर 2 द स्पाइडर विक क्रॉनिकल्स। द स्पाइडर विक क्रॉनिकल साल 2008 में रिलीज हुई मैजिकल फैंटसी मूवी थी, जिसको डायरेक्ट किया था मार्क वाटर ने। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है ग्रेस नाम के एक औरत से, जिसके 3 बेटे होते हैं, जो एक नए शहर स्पाइडर विक जाते हैं, जहां वे लोग एक पुराने घर में रहते हैं, जहां उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा रहता है, यह किताब पढ़ने की हिम्मत ना करें वरना शैतानी ताकतें अमर हो जाएगी। जेरेड, जो कि ग्रेस का बेटा होता है, वह यह किताब पढ़ता है और एक जादुई की एक नई दुनिया में जाता है, जहां उसका मुलाकात जादुई शैतान से होता है, जो इस स्पाइडर विक किताब को छीनना चाहता है। अगर आप भी मैजिकल फैंटसी मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। आप सभी इस मूवी को एक बार जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल है 6.5 की। नंबर 3 एलिस इन द वंडरलैंड। लिस्ट में जो अगली मूवी आप सभी को देखने को नजर आने वाली, उस मूवी का नाम है एलिस इन द वंडरलैंड। एलिस इन द वंडरलैंड साल 2010 में रिलीज हुई फैंटसी एडवेंचर्स मूवी थी, जिसको डायरेक्ट किया था टीम बर्टन ने। इस मूवी में आप सभी को नजर आने वाले हैं जॉनी डेप और निकला का। मूवी में दिखलाया जाता है कि एक लड़की रहती है जिसका नाम एलिस होता है, जो अचानक एक अंडरलैंड नामक एक अजीब और असली दुनिया में पहुंच जाती है। वह खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती है जो बुरे सपनों से मिलती जुलती रहती है, जो खूंखार जानवरों, चुड़ैल रानियों और सूरवीरों से भरी होती है, जहाँ वो अपने पुराने दोस्त के साथ फिर से मिलती है और अपने असली भाग के बारे में जानती है। यह मूवी एक फैंटसी एडवेंचरस मूवी है, जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है हॉटस्टार पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल है 6.5 की। नंबर 4 इंकहार्ट। नंबर 4 पर जो मूवी इस लिस्ट में आती है, उस मूवी का नाम है इंकहार्ट। इंकहार्ट साल 2008 में आई एडवेंचरस फैंटसी ड्रामा मूवी थी, जिसको डायरेक्ट किया था यान सॉफली ने। इस मूवी की कहानी जादुई प्राणियों से भरी हुई है। मूवी में एक लड़की रहती है जिसको पता चलता है कि उसके पिता के पास अपनी किताबों के किसी भी कैरेक्टर को बाहर निकालने की शक्ति होती है। एक रात वो एक किताब से 3 कैरेक्टर को बाहर निकालते हैं। वे लोग एक ऐसी किताब की खोज में रहते हैं जिससे वे उस शक्तिशाली शैतान को फिर से किताब के अंदर ला सके। यह एक फैंटसी एडवेंचरस मूवी है, जो आप सभी को हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस मूवी को वहां से जाकर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल है 6.1 की। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आप सभी के लिए और मजेदार वीडियोस लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। From the book.